हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज वोकैबलरी का एक सेशन करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें मैं आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जिसको मैं इमेजिनेशन टेक्निक कहता हूँ। इस इमेजिनेशन टेक्निक से आप कैसे वर्ड्स को लंबे समय तक याद रख सकते हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये टेक्निक है। हाउ यू कैन मेमोराइज दीज वर्ड्स फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड, ना इस पर ये पूरी टेक्निक है, ठीक है। एग्जाम्स के लिए टेक्निक बहुत ही यूजफुल है। वैसे तो कुछ स्टैंडर्ड टेक्निक से वर्ड्स याद करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन ये जो टेक्निक है ये मेरी खुद की बनाई हुई टेक्निक है और आप कैसे अपनी इमेजिनेशन से बेटा वर्ड्स को याद कर सकते हैं आपको अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ बेहतरीन यूपीएससी में आए हुए वर्ड्स मैं यहाँ पर आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा, ठीक है। मेरा एम आपको इन वर्ड्स का मीनिंग याद करवाना बिल्कुल नहीं है, मेरा एम आपको ये टेक्निक याद करवाना है या ये टेक्निक मालूम करवाना है ताकि आप और नए नए वर्ड्स को इजिली लंबे समय तक याद रख सको, ठीक है बेटा। तो ये इमेजिनेशन टेक्निक है और जिसमें मैं पहला वर्ड, माई फर्स्ट वर्ड इज एक्सट्रपेट, ठीक है, एक्सट्रपेट इज माई फर्स्ट वर्ड, एक्सट्रपेट, ठीक है, ओके। अब मैंने एक्सट्रपेट को बेटा कैसे याद किया वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, एग्जाम के लिए मैंने कैसे याद किया, ठीक है। अच्छा, इस वर्ड के पीछे की ग्रामर जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो आप इसका मीनिंग कैसे याद रखोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आप लोगों का ये टास्क है बेटा इसके पीछे की ग्रामर जरूर जान लेना कि ये नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, ताकि इसका प्रॉपर यूसेज आपको आ सके। कैसे सेंटेंसेस बनाओगे तभी बना सकते हो जब आप इसके पीछे की ग्रामर जान सको, ठीक है। तो बहुत अच्छा वर्ड है एक्स्ट्रपेट, इसको मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, एक्स्टर से मैंने एक्स्ट्रा बनाया, पेट से मैंने पेट, ठीक है, ओके। आप ही सोचो अगर किसी का पेट एक्स्ट्रा हो गया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा तो बाद में फट जाएगा, फट गया मतलब डिस्ट्रॉय हो गया। तो ऐसे मैंने इमेजिन किया बेटा, जैसे मैं एक्सट्रपेट वर्ड सुनता हूँ मेरे दिमाग में पिक्चर चलती है कि किसी का पेट एक्स्ट्रा हो रहा है और फट जा रहा है। तो एक्सट्रपेट का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, इट मींस टू डिस्ट्रॉय, बहुत अच्छा वर्ड है। आप अगर डिस्ट्रॉय की जगह एक्सट्रपेट यूज करोगे तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी लगेगी और बहुत इफेक्टिव लगेगी, ठीक है। सो दिस इज माई फर्स्ट वर्ड एक्सट्रपेट, ठीक है, ये एक वर्ब है बेटा, ठीक है, ये एक वर्ब है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे सकता हूँ, इंडियन सोल्जर्स हैव एक्सट्रपेटेड द बंकर्स ऑफ एनिमीज इन बॉर्डर्स, ठीक है। तो एक छोटा सा आपने एग्जाम्पल देखा, ओके। माई सेकेंड वर्ड इज, ये भी बहुत अच्छा वर्ड है बेटा, माई सेकेंड वर्ड इज precarious, my second word is precarious, okay. Acha, how I have remembered this word, how I have remembered the meaning of this word, maine isko do hisson mein toda, precarious ko maine do hisson mein toda, pre se mujhe pari yaad aaya, pari, pari means angel, aur carious se mujhe cycle ka carrier yaad aata hai kyunki I love cycling, तो इसके वजह से मुझे एक बार एक ड्रीम आया बेटा, ठीक है। तो मुझे क्या ड्रीम आया कि मैं साइकिल चला रहा हूँ और मेरे साइकिल के कैरियर में एक परी बैठी हुई है। अच्छा, तो ये जाहिर सी बात है, अगर मेरे साइकिल के कैरियर के पीछे परी बैठी हुई है तो मैं उसको देखूंगा वो कैसी है दिखने में। तो बेटा मैंने जैसे ही उसे देखा वो परी नहीं, वो भूत में निकली और मैं डर गया और मेरी नींद खुल गई। तो आप जैसे मैं वर्ड सुनता हूँ प्रीकेरियस, मेरे दिमाग में वही ड्रीम याद आता है मुझे, तो मैं अपनी इमेजिनेशन से वर्ड्स को रिलेट कर रहा हूँ बेटा। तो जैसे मैं ये वर्ड सुनता हूँ प्रीकेरियस, तो मेरे दिमाग में क्या आता है, परी साइकिल के कैरियर के पीछे बैठी हुई थी और वो मिलने क्या थी, मिलने वो डेंजरस है ना, इट वॉज अ डेंजर सिचुएशन फॉर मी। तो प्रीकेरियस मतलब होता है डेंजरस, प्रीकेरियस मीन्स डेंजरस, यहाँ पर लाइफ एंड डेथ वाली सिचुएशन हो बेटा उसको हम लोग डेंजरस सिचुएशन बोल सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा बोल सकता हूँ हमारे सोल्जर्स बॉर्डर्स में है तो बहुत ही प्रिकेरियस सिचुएशन में है, डेंजरस सिचुएशन में है, ठीक है। प्रिकेरियस बहुत अच्छा वर्ड है, इसके पीछे की ग्रामर जानना इज वेरी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए, ठीक है। तीसरा वर्ड है करटेल, द थर्ड वर्ड इज करटेल। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करटेल, करटेल से जैसे मैं वर्ड सुनता हूँ करटेल मेरे दिमाग में आता है कर्टेन्स, कर्टेन्स मतलब होता है पर्दे, और मेरे ऑफिस में पर्दे कैसे लगे हुए हैं, मैं ऐसे खींचता हूँ वो पर्दे छोटे 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 हो जाते हैं, ठीक है। खींचने से वो पर्दे क्या होते हैं, छोटे, उनका साइज रिड्यूस होता है। तो करटेल का मतलब होता है टू रिड्यूस या टू शॉर्टन। अगर आप बहुत लंबी स्पीच लिख के लाओगे मैं कहूंगा बेटा करटेल योर स्पीच, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करटेल, टू रिड्यूस, ठीक है, टू रिड्यूस या टू शॉर्टन, किसी चीज को छोटा करना। तो आप देख रहे हो कैसे इजिली मुझे इन वर्ड्स की मीनिंग याद है, मैंने इनको अपने इमेजिनेशन से रिलेट किया है। अच्छा, एक वर्ड है एज्योर, ये बहुत एग्जाम में आया बच्चों के, एज्योर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एज्योर। अच्छा, एज्योर जैसे मैं वर्ड सुनता हूँ मेरे दिमाग में आता है अजगर,
ठीक है, मैंने ऐसे रिलेट किया है, ठीक है, मैं कुछ और रिलेट नहीं कर पा रहा था, तो मैंने ए जेड से अजगर, और अजगर क्यों, क्योंकि मुझे बचपन से सांप बहुत पसंद है, ठीक है, और मैं डिस्कवरी चैनल में बहुत सारे शोज देखता हूँ स्नेक्स के, तो एज्योर से मुझे अजगर याद आया, और मुझे एक बार एक सपना आया बेटा कि मैं जंगल में एक अजगर चल रहा है और मैं उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ, और फाइनली जैसे मैंने एक लास्ट जंप मारी उस अजगर को पकड़ने के लिए, वो अजगर उड़ने लगा, ठीक है, तो एक सपना है, और उड़ने लगा तो मैं उसको देख रहा था, और अल्टीमेटली मुझे क्या दिखा, अजगर तो गायब हो गया, मुझे क्या दिखा, नीला आसमान, मुझे क्या दिखा, नीला आसमान, तो एज्योर मीन्स स्काई ब्लू। अब आप सोचोगे कि सर ने कितनी बकवास कहानी सुनाई है, बेटा कहानी बकवास है, लेकिन मुझे वर्ड याद हो गया है, ठीक है, तो आप ऐसे इमेजिनेशन रिलेट कर सकते हो, कैसे भी आपकी लाइफ के साथ इतने अच्छे अच्छे इवेंट्स हुए हैं, उन अच्छे इवेंट्स के साथ आप वर्ड को क्या कर सकते हो, रिलेट कर सकते हो। अच्छा एक वर्ड है, द फिफ्थ वर्ड इज, तो मैं आपको इन वर्ड्स की मीनिंग नहीं याद करवा रहा हूँ, मैं आपको एक टेक्निक सिखा रहा हूँ। अच्छा एक वर्ड है स्किन फ्लिंट, एक वर्ड है स्किन फ्लिंट। अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्किन फ्लिंट, जैसे मैं वर्ड सुनता हूँ स्किन फ्लिंट, स्किन से मेरे दिमाग में आता है एक एक्टर है परेश रावल, अगर आप लोगों ने हेरा फेरी फिल्म देखी हो तो सेट मैक्स में आती है वो, बहुत कॉमन है उस फिल्म में, उस हेरा फेरी फिल्म में आपने परेश रावल को अगर देखा हो तो पूरी फिल्म में वो अंडरशर्ट में है, तो अपनी स्किन दिखा रहा है, ठीक है, तो मैं जैसे स्किन फ्लिंट वर्ड सुनता हूँ मेरे दिमाग में आता है परेश रावल उस फिल्म में, और उस फिल्म में अगर आपने ऑब्जर्व किया हो तो उस फिल्म में परेश रावल होता तो लैंडलॉर्ड है, लेकिन एक नंबर का कंजूस और मक्खी चूस, ठीक है, तो स्किन फ्लिंट मतलब क्या होता है, माइजर, माइजर मींस कंजूस, एक नंबर का कंजूस, मैं यहाँ पर कंजूस भी लिखूंगा, ठीक है, एक नंबर का कंजूस या मक्खी चूस। देयर इज वन सिनोनिम ऑल्सो बेटा स्किन फ्लिंट से रिलेटेड, एक सिनोनिम भी है, वो है पार्सिमोनियस, पार्सिमोनियस, ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स हैं, पार्सिमोनियस अगेन क्या मतलब है इसका, जो बहुत कंजूस हो। ओके द नेक्स्ट वर्ड इज डैपल्ड, DAPPLED, डैपल्ड। अच्छा जब भी मैं वर्ड सुनता हूँ डैपल्ड, मेरे दिमाग में क्या आता है, एप्पल, डैपल्ड सुन के मेरे दिमाग में एप्पल आता है, तो मेरे दिमाग में ऐसा एक एप्पल बन जाता है, ठीक है, और डी फॉर डॉट्स, तो मैं इस एप्पल के ऊपर बहुत सारे डॉट्स बना लेता हूँ, ठीक है, तो एक कैसा एप्पल हो गया, इस एप्पल में तो दाग है, तो डैपल मतलब होता है स्पॉटेड, इट मींस स्पॉटेड, सो सिंपल, तो मैं देखो कैसे याद किया। अच्छा एक वर्ड है अबोरेंट, ये भी बड़ा अच्छा वर्ड है, अबोरेंट, अबोरेंट। अच्छा अबोरेंट को मैंने सारे यूपीएससी के वर्ड से बेटा एग्जाम में आया आप लोगों के, मैंने इसको कैसे तरह है? कैसे याद किया है, मैंने इसको तीन हिस्सों में तोड़ा है, ठीक है, ए बी एच, अब और रेंट। अच्छा तो इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी है, जब मैं नया नया जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया था तो वहां पर मैं एक रेंट में रहता था, एक रूम मैंने लिया था रेंट में, और जो वहाँ की लैंडलॉर्ड थी बहुत अच्छी थी, एजेड लेडी थी, बहुत अच्छी थी, लेकिन कभी कभी मैं उनको रेंट देता था और वो भूल जाती थी, तो मुझसे दोबारा मांगते थे अब और रेंट, तो आप ही सोचो अगर आपसे कोई दोबारा रेंट मांगे तो आपको गुस्सा नहीं आएगा, आपको उसको देखकर नफरत होगी ना बेटा, तो अब और रेंट, तो मैंने इसको तीन हिस्सों में तोड़ा है, अब और रेंट, तो मुझे ऐसे याद है, अब और रेंट मतलब होता है हेटफुल, इट मींस हेटफुल और डिसगस्टफुल, और डिसगस्टफुल, ठीक है, बहुत अच्छा वर्ड है, याद रखना है, अबोरेंट, अब और रेंट, ऐसे मैंने इस वर्ड को तोड़ा है। अच्छा एक वर्ड ये भी बहुत अच्छा है, लेकिन दिस इज रिलेटेड टू माय हॉबी, सेंटोर, सेंटोर, ये भी यूपीएससी में एक बार एग्जाम में पूछा है, सेंटोर वर्ड मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरी हॉबी है बेटा स्टार गेजिंग, मुझे तारे देखना बहुत अच्छा लगता है, कॉन्स्टिलेशंस देखना बहुत अच्छा लगता है, तो एक कॉन्स्टिलेशन है बेटा, कॉन्स्टिलेशन क्या होती है, ग्रुप ऑफ स्टार्स ना, विच मेक सम सेंस, इट इज रिलेटेड टू हिंदू मैथोलॉजी एज वेल एज ग्रीक मैथोलॉजी, बहुत सारे ऐसे स्टार्स हैं, ग्रुप ऑफ स्टार्स जो कुछ सेंस बनाते हैं ग्रीक मैथोलॉजी में या हिंदू मैथोलॉजी में, आपने सप्तऋषि फॉर्मेशन, जो तारों का फॉर्मेशन है, कॉन्स्टिलेशन का नाम सुना होगा, और बहुत सारे इंग्लिश में ओरायन है, वी हैव उर्सा मेजर, उर्सा माइनर, वेरियस कॉन्स्टिलेशन, उसी तरीके से एक और कॉन्स्टिलेशन है सेंटोरस, ठीक है, और ग्रीक मैथोलॉजी में सेंटोर मतलब होता है हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स, ठीक है, सो इट इज रिलेटेड टू माय हॉबी, दैट्स व्हाई आई नो, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग भी अपनी हॉबी से वर्ड्स को रिलेट कर सकते हो, सेंटोर मींस, एंड देयर इज वन मोर थिंग, देयर इज वन स्टार प्रोक्सिमा सेंटोरी एंड इट इज द नियरेस्ट स्टार टू द सन, ठीक है, तो वहां से भी आपको आप याद कर सकते हो, और वो स्टार सेंटोरस कॉन्स्टिलेशन में ही है, इट मींस हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स, ठीक है,
ग्रीक मैथोलॉजी में आधा इंसान आधा घोड़ा, हाफ ह्यूमन हाफ हॉर्स, ठीक है। तो ये जो मैंने आठ वर्ड्स बेटा, दिस एट वर्ड्स जो विच आई हैव डिस्कस्ड विद यू, ठीक है, it is not so that you can no mug up these words or their meaning. Basically main chahta hu ki you should know this imagination technique, how with the help of imagination you can relate so many words with your experiences and all, and you can able to memorize them for the longer time, theek hai, taki aapko exams mein help mile, theek hai. To aaj ka session yahi over karta hu beta, ठीक है। नेक्स्ट आपको एक टेक्निक सिखाऊंगा जो एक बहुत स्टैंडर्ड टेक्निक है, और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कुछ वोकैबुलरीज करेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज याद रखना, आपको इन वर्ड्स के पीछे के ग्रामर को जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप इनका प्रॉपर यूज नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, वो आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। टिल देन ऑल द बेस्ट, गुड बाय।